वर्मा 16 तारीख को होने वाले सीजी पीएससी सेमिनार में प्रदेश के पीएससी टॉपरों से संवाद होगा। इस सेमिनार में प्रदेश भर से पीएससी के उम्मीदवार टॉपर शामिल होंगे। टेजा ट्यूटोरियल द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टॉपर अपने टिप्स देंगे। इस बार सीजीपीएससी में टॉप अनिता सोनी उम्मीदवारों से सीधे संवाद करेंगी। इसके अलावा टॉपर मृणमयी शुक्ला, राहुल तिवारी सीधे संवाद करेंगे। 16 फरवरी को टुटैया कोचिंग की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुख्य परीक्षा की रणनीति पर भी चर्चाएं की जाएंगी। मेरी प्रतियोगियों को सलाह है कि मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ मेहनत पर्याप्त नहीं है, स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर होना चाहिए। पाठ्यक्रम बहुत व्यापक है, 3 महीने में आप किस तरह रोड में तैयार कर सकते हैं वो आपका रिजल्ट तय करेगा। कोचिंग से एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और इसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए अगर आप एक सटीक तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। और सेमिनार के माध्यम से जो प्रतिभागी हैं उन तक ये संदेश जरूर जाएगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू अगर वो अपनी तैयारी रखेंगे, अलग अलग सोर्सेज से ना पढ़ के जो बताया जाता है गुरुजनों के माध्यम से अगर वैसी तैयारी रखेंगे तो निश्चित ही सफलता जल्द मिलेगी। कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो एक लाइन कहा जाता है कि इसका जो सिलेबस है वो है एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द सन। तो हमें अब हमको ऐसा लगता है कि सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन सब चीज़ नहीं पढ़नी है। और उसी चीज़ को बताने के लिए कोचिंग काम आता है कि दिशा मिल जाती है कि हमें करना क्या है, कैसे आगे करना, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है और पैटर्न लगातार लास्ट टाइम नया पैटर्न लॉन्च हुआ है तो वो चेंज भी होते रहते हैं। सर लोग का शुरू से बहुत ज़्यादा गाइडेंस रहा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है इसका, तो उसको कम समय में और क्या क्या पढ़ने के साथ क्या छोड़ना है उस पर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण कम समय में तैयारी हो गई। और फिर इस बार मेरा फिर 61 रैंक आया है तो आगे और भी तैयारी मुझे करते रहनी है। तो मैं अभी जो मेंस दिलाएंगे उनसे ये कहना है कि अभी कट ऑफ के बारे में सोचना छोड़ के अपना मेंस के लिए पूरे पूरे तरीके से ध्यान दे के पढ़ना है। और इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज।